नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एसएसआईटी में एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह। हम विभिन्न स्कूल के बच्चे बच्चियों से भी जानकारी लेंगे, कौन सा पढ़ाई बेहतर था, क्या ऑफलाइन की पढ़ाई बेहतर है या फिर ऑनलाइन की पढ़ाई। चलिए एसएसआईटी आपके साथ में चलती है। क्या नाम है? दीक्षा। अरे बताओ दीक्षा, कैसा पढ़ाई स्कूल का, ठीक है था कि घर का? स्कूल का, ऑफलाइन ज्यादा अच्छा था। तो घर में तो पूरा चुलबुली, खेलने कूदने का मौका मिलता था? नहीं, वहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्कूल का ठीक है? हाँ। निभा। हाँ बताइए। मेरे को भी ऑफलाइन ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप बताओ। हाँ, क्या बात, क्या नाम है? सुनिधि। अरे वाह बेटे, पहली बार स्कूल जा रही हो कोरोना के बाद? जाती थी पहले? स्कूल वाला अच्छा है कि घर वाला? स्कूल वाला। अरे वाह, क्या दम, कितनी बेहतर बात बताइए कि स्कूल वाला ही पढ़ाई बेहतर है। घर का पढ़ाई बेहतर था कि स्कूल का पढ़ाई? घर का। घर का ना, बहुत मजेदार बेटा है। बता बताइए, क्या नाम हुआ आपका? अर्णव। किस क्लास में हो? 4A। आप बताइए, बोले क्या कि घर का पढ़ाई बेहतर था स्कूल का पढ़ाई नहीं? चलिए बहुत अच्छा बात बोले बेटा। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? प्रभाकर। प्रभाकर, किस क्लास में हो? हम 3। घर का पढ़ाई ऑनलाइन ठीक था कि ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन घर का ना, चलो स्कूल का नहीं ना? स्कूल का अच्छा था। अच्छा स्कूल का था, अच्छा स्कूल का था भाई। चलिए आप बेटा क्या बताओ, क्या नाम हुआ आपका? कुमारी वैष्णवी। किस क्लास में हो? प्रिफ्थ में। घर का पढ़ाई अच्छा था कि स्कूल का? स्कूल का। स्कूल का, घर का नहीं? घर का नहीं। क्यों? स्कूल का अच्छा था। स्कूल का अच्छा था, घर का, घर में तो बहुत अच्छा तरह से खेलना कूदना मिलता था। हाँ। स्कूल में तो नहीं मिलता है उतना? हाँ। तो स्कूल का पढ़ाई अच्छा है? हाँ। चलिए ये बता दिए कि स्कूल का, कुछ और स्कूल वाले से बच्चे लोग से भी हम जानकारी लें। ऑफलाइन, लेकिन फाइनल एग्जाम ऑनलाइन हो जाए तो मजा ही आ जाए। अच्छा फाइनल एग्जाम मतलब कि ऑनलाइन ही हो, है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि बहुत हार्ड हो जाता है। अच्छा, इसलिए घर का ही रहेगा तो अच्छा रहेगा फाइनल एग्जाम, फाइनल में, बाकी सब स्कूल में हो मजा आता। चलिए बहुत अच्छा बात बताया। चलिए कुछ ठीक था कि ऑफलाइन? ऑफलाइन अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ऑफलाइन में। अच्छा आप बताइए, बच्ची जा रही है स्कूल, कोरोना के बाद तो फिर पहली बार स्कूल जा रही है जी, तो घर का पढ़ाई बेहतर था कि स्कूल का पढ़ाई? स्कूल का पढ़ाई ठीक है। क्यों? इसमें अच्छा लगता है। अच्छा स्कूल का पढ़ाई बेहतर है। पीरियड्स और सही, बहुत अच्छा अच्छा पीरियड्स भी होता है, जैसे गेम्स से, और वहाँ पर सब कुछ हम लोग बहुत सारी चीज़ भी सीखते हैं, पर घर पे बैठे हुए अच्छा नहीं लगता। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन? ऑफलाइन। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई देता है। अच्छा तो ऑफलाइन पढ़ाई बेहतर है ना? यस। ओके ओके, ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें सबसे अच्छे से समझ आता है, टीचर्स हमें अच्छे से बता पाते हैं। अच्छा। और ऑनलाइन में कभी आवाज़ क्रैक होती है, कभी वॉइस अच्छे से नहीं आती है, कभी नेटवर्क इश्यू होता है, तो इसलिए हमें समझ नहीं आता कि टीचर्स क्या समझा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, क्या नाम है? रितिका। क्या लग रहा है इस बार, ऑनलाइन की पढ़ाई थी ठीक था कि स्कूल का? स्कूल का ऑफलाइन पढ़ाई बहुत बढ़िया है। अरे ऑनलाइन में तो मस्ती होता था। ऑनलाइन में मस्ती होता था, लेकिन ऑनलाइन में बहुत नेटवर्क इश्यूज भी होते थे। हाँ। तो हम लोग को अच्छे से समझ में नहीं आता था, बट देन ऑफलाइन बहुत अच्छा होता। चलिए ओके। ऑफलाइन। क्यों? क्योंकि हमको ऑफलाइन क्लास अच्छा लगता है। ऑफलाइन क्लास अच्छा लगता है ना? घर पे क्या मस्ती नहीं होता था क्या ऑनलाइन में? नहीं। अच्छा आप बताइए। यस सर, वो क्योंकि बाहर जब पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मन लगता है, बच्चों को खेलने का मौका मिलता है, थोड़ा इंजॉय करने का, घर पे बोर हो जाते हैं बैठे बैठे, फिर मोबाइल का ज़्यादा यूज करते हैं लोग, गेम खेलने लगते हैं बच्चे, इसीलिए ऑनलाइन से अच्छा होता ऑफलाइन है। ओके थैंक यू वेरी मच। और तो ये थे तमाम स्कूल के बच्चे लोग से हम जानकारी लिए हैं कि ऑफलाइन पढ़ाई बहुत ही बेहतर रहता है। ऐसा टाइप ट्यूब देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं नए अंदाज नए उत्साह के साथ में, तब तक बाय बाय।